कवर्धा घटना के आरोपी प्रशांत साहू के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल और दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 21 सितंबर को प्रदेश बंद का आह्वान किया है। भूपेश बघेल ने कहा है कि पुलिस ने प्रशांत साहू के साथ बेदर्दी से मारपीट की जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। प्रशांत साहू की मां को भी बुरी तरह से पीटा गया। भूपेश बघेल ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की है, साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। जिस तरह से लगातार घटनाएं घट रही है, घटनाओं को रोकने में सरकार विफल हुई है, इन सब को देखते हुए पूरे प्रदेश में डर और भय का माहौल है। महिलाएं, माता, बच्चे, युवा सुरक्षित नहीं है, रायपुर जैसा जगह में सुरक्षित नहीं है। इसलिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि आने वाला समय में 21 तारीख को शनिवार को पूरे प्रदेश बंद करने का ऐलान छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी करती है।